गूगल जैसे महादैत्याकार कंपनी के जबड़े में हाथ डालकर एक गायब यूट्यूब चैनल को वापस ले आना कोई आसान काम नहीं, पर ये कारनामा कर दिखाने वाले शख्स आपके सामने हैं। इनका नाम मोहम्मद हैदर है। जी हाँ, वीडियो में ये जो शख्स दिख रहे हैं वही हैं मोहम्मद हैदर। देखने में विनम्र शालीन लगने वाले इस शख्स के पास गजब की मेधा है। सत्ता के इशारे पर गूगल द्वारा गायब किए गए एक चर्चित यूट्यूब चैनल 4PM को वापस लाने के लिए इस शख्स की कोशिशें तुरंत कामयाब हुईं। गूगल ने माफ़ी मांगी और 3 दिनों में एक एक कर लगभग 3,000 वीडियोज वापस कर दिए। ये एक करिश्मा ही है जिसे संभव कर दिखाया एडवोकेट मोहम्मद हैदर ने। 4PM के एडिटर इन चीफ संजय शर्मा बताते हैं कि वो तो निराश हो चुके थे और एक नया यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिए, लेकिन भला हो एडवोकेट मोहम्मद हैदर साहब का जिन्होंने अपने तगड़े लीगल नोटिस से गूगल को घुटने के बल बिठाया और लाखों सब्सक्राइबर व हज़ारों वीडियोज़ वाले 4PM यूट्यूब चैनल को वापस ले आए। एडवोकेट मोहम्मद हैदर से विस्तार से बात की भड़ास एडिटर यशवंत ने। सुनिए और अपने अपने यूट्यूब चैनलों की रक्षा के लिए दिए गए सुझावों को गांठ बांध लीजिए। आज हम लोग मोहम्मद हैदर साहब के साथ हैं जो जाने माने वकील हैं लखनऊ के, और अभी ये चर्चा में तब आए जब इन्होंने एक बड़े YouTube चैनल 4PM को रिकवर कराया। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम होता है Google और YouTube जैसे एक महा शक्तिशाली जो है साम्राज्य है, कंपनियां हैं, उनसे लड़ पाना, उनसे भिड़ पाना और उनके इलाके में घुस के अपना सामान वापस ले आना। तो हैदर साहब आपको बधाई हो, आपने एक काफी बड़ा काम कराया, ये कैसे संभव हुआ थोड़ा बताएं आप जो है। यशवंत जी देखिए, हमारे जो प्रोफेशन है वो बड़ा वाइब्रेंट प्रोफेशन है वकालत का, जिसमें हम लोगों को रोज पढ़ना होता है और रोज एक नया एरिया ऑफ डेवलपमेंट हमको पता चलता है। और ये जहाँ तक ये साइबर लॉज का सवाल है तो ये एक लखनऊ एक छोटा शहर है और यहाँ पे साइबर लॉ उतना डेवलप्ड अभी भी नहीं है एज कम्पेयर टू दी अदर मेट्रोज और बड़े बड़े शहरों में, तो ये एक नया चैलेंज था। संजय शर्मा जी चूंकि हम लोगों के पर्सनल मित्र हैं और हर काम में बिना हमारी सलाह के वो आगे नहीं बढ़ते हैं, लीगल राय लेते हैं, तो ये जब 19 तारीख को उन्होंने हमको सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने बताया कि हमारा चैनल कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि चैनल कॉम्प्रोमाइज कैसे हुआ, क्या इसको गवर्नमेंट ने कर दिया, इनका ब्लॉक करा दिया, या इनको कोई नोटिस आया था यूट्यूब से या किसी और कारण से, मतलब हमें कारण ही नहीं पता था। प्रॉब्लम इनके इस अकाउंट के साथ ये थी कि ना केवल इनका यूट्यूब का अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ था बल्कि जिस ईमेल से इनका वो अकाउंट चलता था वो ईमेल भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, तो उसमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन में भी जो नंबर्स होते हैं वो सब चेंज हो गए थे। तो सबसे पहला स्टेप था कि इन अथॉरिटीज़ को बताना कि इनका दायित्व क्या है, दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा चीज़ ये थी कि चूंकि ऑन द फेस ऑफ इट एक आपराधिक घटना प्रतीत होती थी तो उसकी FIR कराई जाए, तो सबसे पहले तो हमने इसकी एक FIR कराई, उसके बाद एक डिटेल्ड लीगल नोटिस जिसमें प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताते हुए और खासतौर से इस बात को उल्लिखित करते हुए कि ये जब इलेक्शन का टाइम चल रहा है, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और उन इलेक्शंस की लगातार परिवीक्षा हम लोग अपने चैनल पे कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, वोट डालने के लिए एम्फसाइज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह की चीज़ें सीधे सीधे डेमोक्रेटिक सेटअप से इंटरफियर करती हैं। इसके साथ ही संजय भाई को हमने कहा कि आप ट्वीट भी करिए, उनको ट्वीट भी करवाया, तो इस सारे एफर्ट्स कंबाइंड टुगेदर दे रिलेटेड रिजल्ट। आपको क्या लगता है वकील साहब, मैंने 4PM का यूट्यूब चैनल जो है लाखों सब्सक्राइबर हो उसके और वो बेबाक चैनल है जो कि सत्ता की पोल खोल करता है और इस समय जबकि सरकारें मीडिया को गोदी मीडिया बना चुकी हैं, 4PM जैसा चैनल सरकारों का आईना दिखाता है और उनकी कमियों खामियों को उजागर करता है, तो संजय शर्मा जी और 4PM उनका चैनल अक्सर सरकारों के निशाने पे भी होते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो कॉम्प्रोमाइज शब्द आपने इस्तेमाल किया कि मैंने उनका यूट्यूब चैनल कॉम्प्रोमाइज हुआ, ये सरकार के इशारे पे यूट्यूब ने किया या हैकर्स ने हैक कर लिया जो कि यूं ही करते रहते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है संजय जी का इस पर कहना है कि ये सब सरकार के इशारे पे हुआ है। देखिए अगर आप टाइमलाइन देखें और क्रोनोलॉजी देखें किस तरह से, मतलब उन्होंने एक बड़ा ही सेंसिटिव वीडियो चला दिया था जिसके बाद ही ये सारा सब कुछ हुआ। अमित शाह का वीडियो जिसमें कानपुर में वो बोल रहे हैं कि ये बंद करो, मतलब रोड शो बंद करो, ये फ्लॉप हो गया या बेकार हो गया। हाँ, तो उसके जस्ट बाद हुआ, तो ये पत्रकार महोदय लगातार मतलब इन चीजों को बड़ा ही गूढ़ तरीके से देखते हैं। लेकिन जहां तक लीगल प्रिंसिपल का सवाल है तो देखिए, जीमेल का अकाउंट जब कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उसमें मोबाइल नंबर्स डाले गए,
नए मोबाइल नंबर्स डाले गए, इसी तरह जब यूट्यूब का कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उसमें मोबाइल नंबर्स डाले गए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक FIR कर रखी है एंड दैट FIR इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें जो नंबर निकल के आएंगे अगर उसका गहन परीक्षण होगा तब ये कॉन्ट्रोवर्सी से पर्दा उठेगा कि वास्तव में किया किसने था। लेकिन जो पूरी घटनाक्रम है, जो आपने सही कहा, जो क्रोनोलॉजी है और जो जिस तरह से समझ में आता है कि ये चैनल एक तरह से वायरल हो रहा था, इसके वीडियो, इसके डिबेट्स और सत्ता पक्ष को बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ऐसा लगता है कि बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के अचानक से चैनल को गायब कर देना, तो ये एक बाकी यूट्यूबर्स जो हैं, जो बड़े पत्रकार हैं जो चला रहे हैं यूट्यूब पे चैनल अपने, उनके लिए भी एक चेतावनी, ये सबक है कि वो अगर अपनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि क्या बाकी लोग ऐसा क्या करें कि ऐसा फिर ना हो। मतलब भाई संजय जी ने भी जो है अपना मोबाइल नंबर से ऑथेंटिकेशन वाला कर रखा था, टू वे जो होता है, तो आपको आपका क्या सुझाव रहेगा, सलाह रहेगा कि मैंने जो है क्या? मेरा सलाह तो ये रहेगा कि जो आपका पासवर्ड हो बहुत ही स्ट्रांग हो, और अगर आप इस तरह के काम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो 24/7 सर्वेलेंस होनी चाहिए। संजय भाई को तो रात में 2 बजे ही पता चल गया था कि उनका चैनल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उनके वीडियोज हटने लगे थे, और तभी हमने त्वरित कार्रवाई करी, और उस त्वरित कार्रवाई का फर्क ये पड़ा कि हमारे वीडियोज, ज्यादातर वीडियोज उनके रिट्रीव हो गए वापस, क्योंकि अगर वो डिलीट हो जाते और टाइमली हम एक्शन ना लेते और डिलीट हो जाते तो फिर वो रिट्रीव भी ना होते। तो हैशटैग और @ जितने भी सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स का ज्यादा यूज किया जाए पासवर्ड रखने में। और ये हमारी, जब आपको बताऊं यशवंत जी, जब हमने अपनी कंप्लेंट करी थी तो साइबर सेल से बहुत फोन आए और तमाम ऑफिसर्स ने भी फोन किया, और उसके बाद फिर यूट्यूब इंडिया और जीमेल इंडिया के लोगों से भी हमारा संपर्क हुआ, तो सबने इसी बात को एम्फसाइज किया कि 2-फैक्टर आपका वेरिफिकेशन जो है, जैसे अभी हमने दूसरे लैपटॉप पे हम आपसे आज बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी 2-फैक्टर वेरिफिकेशन, तो उसमें 2 बार आया कि क्या ये आप ही हैं, अपनी आइडेंटिटी करिए कंफर्म, तब चलेगा। तो ये कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो हमको करने होंगे। हैदर साहब, आप जो है मीडिया के बहुत सारे साथियों की लड़ाई निःशुल्क लड़ते हैं, अभी अभी आपने भड़ासा मीडिया के भी एक लीगल नोटिस का जवाब दिया, एक दवा कंपनी के मित्र विनय तिवारी जी हैं वो आपके यहाँ गए, उनसे भी आपने कोई फीस नहीं लिया, तो ये सब कुछ जो आप करते हैं, तो ऐसा वकीलों के बारे में माना जाता है कि वकील तो पैसे के भूखे होते हैं और बिना पैसा वो हिलते तक नहीं है, तो आपके मामले में ये बिल्कुल बात। यशवंत जी, जब मैंने लॉ किया था 1998 में, और मैं सेकंड जनरेशन लॉयर, मेरे फादर भी लॉयर थे, और जब हमारे फादर का देहांत हुआ था 2012 में, तो उनके अकाउंट में शायद 2 या 2.5 लाख रुपए थे, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे वो हाई कोर्ट में, और अपने टाइम के बेस्ट लॉयर्स में थे वो लखनऊ के। लेकिन उनसे हमने एक चीज़ सीखी कि लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो लॉयर डज नॉट हैव टू बी अ मर्सिनरी कि मतलब लूट लो, या जैसे मैं देखता हूँ कि लाखों रुपए पर डे की अपीयरेंस लोग लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए, जो अगर सोसाइटी को आप देखेंगे तो सोसाइटी 2 तरह के लोगों की है, एक जो बहुत ही रिच है, हु कैन पे यू, बट जो ज्यादातर मेजोरिटी है 90% लोग ऐसे हैं जो आपको पे नहीं कर सकते, लेकिन उनके भी अधिकारों की आपको लड़ाई लड़ना है। तो जहां तक मेरा सवाल है यशवंत भाई, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर हूं, और हम कॉर्पोरेट लॉयर होने की वजह से वी आर एंगेज विद मल्टीनेशनल्स, तो जो जिस मल्टीनेशनल हम एम्प्लॉयड हैं वो हमको इतना पैसा देती है कि इट इज इनफ फॉर मी, तो आई डोंट नीड एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो इस कारण मैं, जितने लोग मेरे पास आते हैं, आपको अगर आप कभी भी शाम को मेरे घर पे आके देखेंगे तो मेरे चेंबर जो है, मेरे फादर के चेंबर है जिसको मैंने उनसे इनहेरिट किया है, तो आज भी मेरे फादर के जितने भी पुराने दोस्त हैं उनको अगर अपने मकान की रजिस्ट्री भी करानी है तो जब तक मैं नहीं देखूंगा तो वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे। उनके दोस्त के पास कोई अगर नगर निगम से नोटिस भी आ जाएगा तो वो भी जब तक मैं नहीं देखूंगा आगे वो नहीं बढ़ेगा। एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि मैं किसी की मदद कर पाता हूँ अपने इस प्रोफेशन को यूज करके। आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं, आपको खान पान का शौक है, आपको सिंगिंग का शौक है, आपको टूरिज्म और जो परंपरा है लखनऊ की उसको साथ उसको बचाने और उसको एंजॉय करने का एक पूरा आपका जज्बा जुनून है, तो इतना सब कुछ कैसे अपने व्यस्त समय में आप निकाल पाते हैं? देखिए, एक इंटरेस्ट की बात है यशवंत भाई, जहां तक लखनऊ का सवाल है तो लखनऊ तो मेरे रोम रोम में बसता है, और मुझे लगता है कि देखिए संविधान जब हम पढ़ते हैं यशवंत भाई, तो फिर पढ़ाई की बात कर रहे हैं कि संविधान में हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं साथ साथ नैतिक कर्तव्य हैं, तो हम अधिकारों के बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत सजग रहते हैं, और जहां कोई अधिकार का हनन होता है हम कोर्ट भाग जाते हैं, लेकिन हम अपने दायित्वों और अपने कर्तव्यों के बारे में कभी भी बात नहीं करते। अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोना भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि इस नैतिक कर्तव्य का स्वयं भी पालन करूँ
अपने बच्चों को भी इसका पालन कराऊं, परिवार में इस बात को इम्फेसाइज करूं, और साथ ही साथ जो लोग मेरे जानने वाले, जो लोग मेरे मिलने वाले, जो दोस्त हैं, उनको कम से कम लॉ जरूर पढ़वाऊं। तो मेरे अधिकतर मित्र भले ही कोई चश्मे की दुकान कर रहे हो, मेरा बेस्ट फ्रेंड है पंकज निगम, जिनके चश्मे की दुकान है कैसे भाग में, लेकिन वो भी लॉ ग्रेजुएट है। अरे वाह जी, नहीं आज का दौर भी ऐसा है हैदर साहब कि मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकारों और सिस्टम में जो एक माने वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था कम होता जा रहा है, तो उस पे आम मतलब आम आदमी को दिक्कत हो रही है और तमाम तरह की मुश्किलों से घिर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर जुडिशरी ही एक रास्ता माध्यम है जहां से हम न्याय पा सकते हैं। तो इस नए दौर के लिए, नए दौर में वकालत वाकई बहुत ही एक शानदार पेशा है जी। लेकिन बस वही है कि जैसे हर पेशे के बारे में कहा जाता है कि वहां पे काफी बुरे लोग होते हैं और उनसे ही छवि बनती है उस पेशे की। जैसे पुलिस विभाग के बारे में है कि साहब बहुत ही करप्ट विभाग है, बहुत ही जनविरोधी विभाग है, बहुत ही घुसखोर विभाग है, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, मैंने देखा है, बहुत ही शानदार लोग भी हैं। वैसे ही वकालत के बारे में है कि साहब दूसरी पार्टी के लोग अगर पैसा दे देंगे तो आपका वकील बिक जाता है, जासूसी कर मुखबरी कर लेता है या डबल एजेंट हो जाता है वो। ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं, हम लोग देखते रहते हैं। मेरा थोड़ा सा एक सवाल अलग सा है कि ये जो आपका कॉर्पोरेट लायर का एरिया रहा है, कॉर्पोरेट लॉ का, और आप साइबर के भी केसेस को आप देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, तो क्या आपने इसके लिए अलग से पढ़ाई की है और कैसे संभव कर पाते हैं? यशवंत जी, लॉ एक बड़ा ही डायनेमिक सब्जेक्ट है और हर दिन चेंज होता है। मतलब आज आप जो एक एक पर्टिकुलर प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, हो सकता है कल वो चेंज हो जाए। एडल्ट्री आज की तारीख में ऑफेंस नहीं है, है ना? इस तरह से मतलब जैसे कहते हैं ना, लॉ सोशल इंजीनियरिंग है, तो लॉ तो हमेशा चेंज होता रहता है। और इतने ज़्यादा, इतना मैग्नीट्यूड है इन लॉज का, इतने ज़्यादा अधिक लॉज हैं कि हमको लगातार पढ़ना पड़ता है। और जहाँ तक साइबर लॉ का सवाल है, जैसे आपको बताया कि लखनऊ ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर साइबर लॉ का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो, लेकिन हमने इसको पढ़ा, आईटी एक्ट को पढ़ा, 66 आईटी एक्ट पढ़ा, जिसके तहत इसमें हमने एफआईआर कराई है और उसका एग्जैक्ट इंटेंट और इम्पोर्ट देखा कि कैसे कैसे ये यूज़ हो सकता है। तो जितने भी नए कानून आते हैं हमारा प्रयास होता है, जैसे आरटीआई है, यशवंत भाई मेरा फोर्टे है आरटीआई, और हमें पता है कि किस तरह से सवाल पूछे जाएं जिससे आपको उत्तर वास्तव में मिल सके। और अल्टीमेटली आपको बताऊं, एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है इसी पॉइंट पे कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आए, 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 क्या बात, क्या बात। तो हमारा मतलब जो मूल मंत्र है वो यही शेर से है कि हमें पता है, एज अ लॉयर हमें पता है कि कौन सी बात को कहाँ और कैसे कहा जाए, किस तरह से प्रेजेंट किया जाए जिससे कि उस बात पे कोई निर्णय हो, उस बात पे कोई डिसीजन हो, उस बात पे कोई एक्शन हो। गूगल ने अपने चिट्ठी में, पत्र में क्या कहा जब आपने लीगल नोटिस भेजा? कितने पन्नों का लीगल नोटिस था आपका जो है? और जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे आपने तर्क गिनाए होंगे, बहुत ही जबरदस्त वो पत्र था जिसके बारे में मैंने सुना है। तो उन्होंने क्या कहा, और जो चैनल वापस हुआ है 4 PM, वो क्या पूरी तरह से इंटैक्ट है, उसमें कोई वीडियो हटा तो नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने कहा कि वी इंडीड एक्सेप्ट दैट यस योर चैनल वाज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये शब्द थे उनके। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आपका जो ये 3 दिन का पूरा प्रोसेस था, सबसे पहले उनका एक हाईजैक फॉर्म आया हमारे एप्लीकेशन को समझने के बाद और उसके ऊपर एक्ट करने के बाद एक हाईजैक फॉर्म होता है। उस हाईजैक फॉर्म पे इस तरह की डिटेल भी होती है कि आपने अपना ये यूट्यूब अकाउंट किस तारीख को शुरू किया। संजय भाई बहुत मेटिकुलस आदमी है, इनफैक्ट उनकी टीम बहुत अच्छी है, तो उनकी टीम के पास पूरा एक रजिस्टर मेंटेन था कि किस तारीख को उन्होंने किया, क्योंकि वो चैनल मोनिटाइज्ड है। जी 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 जी। तो उससे उनको कुछ पेमेंट वगैरह भी आता है एक पर्टिकुलर नंबर को रीच करने पे। तो चूंकि वो मोनिटाइज है तो उनके पास सारा डिटेल था। तो एक जो उनका जो कंप्यूटर का एक्सपर्ट लड़का था वो बगल बैठ गया और फिर उन्होंने उनका पूरा फॉर्म भरा, सारी डिटेल्स जब भर के दी तो हाईजैक फॉर्म के बाद फिर उनका आया कि ठीक है आपका चैनल धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले जब हमारा चैनल इनका रिस्टोर हुआ तो 800 वीडियो आए, जबकि इनके 3000 के करीब वीडियोस थे। 800 के बाद नंबर बढ़ता चला गया, 800, 900, 1000, धीरे धीरे करके वो फिर उसके बाद फाइनली रिस्टोर। अल्टीमेटली एक इनका जो लोगो था 4 PM का, उसके यहाँ कोई और लोगो लग गया था। फिर सेकेंड बार उन्होंने एक और लॉग इन फॉर्म भेजा कि अब आप इस पर अपना लोगो अपलोड करिए तो हम उसको करेंगे। वो फाइनली कल हुआ, कल फाइनली इनका चैनल रिस्टोर होकर पूरी तरह वापस मिला। मतलब लोगो भी गूगल ने लौटाया जो है, जी लोगो भी वापस लौटाया। तो 3000 सारे वीडियो जितने थे सब वापस आ गए? जी सब वीडियो वापस आ गए। तो इसे मतलब गूगल ने क्या अपनी गलती मानी है कि उसके चलते ये हाईजैक हुआ है,
या जैसे गूगल या कोई हैकर अगर हाईजेक कर लेता है तो उसमें गूगल की गलती नहीं है, ये यूजर की गलती है, जैसे जो मतलब संजय जी का इंड है उस इंड से कोई कमजोरी गलती थी। संजय जी के इंड पे कोई गलती नहीं है और ना ही यूजर की। देखिए हैकर जो है जितने भी इस तरह के वर्ल्ड वाइड वेब पे जितने भी नेटवर्क है सब बड़े वल्नरेबल रहते हैं। अगर वो होता ना टू डाल डाल में बात बात, तो हैकर्स भी तो आईटी के एक्सपर्ट्स ही हैं जी जी, जिनको स्पेसिफिकली हायर किया था। अब इस हैकर का अगर मोबाइल नंबर मिल जाता है और इसका ओरिजिन इंडियन है, तब आसानी से पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन था। जांच भी चल रही है जी। आजकल हर जर्नलिस्ट जो है, जो भी मैंने मीडिया से मुख्य धारा के मीडिया से मूव भंग होता है और वो अपनी दुनिया में आता है, तो वो अपना YouTube चैनल बना लेता है। YouTube चैनल फिर वो मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, कुछ पैसे उसको मिल जाए ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। ऐसे में जो YouTube चैनल की सुरक्षा का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में मान लीजिए किसी के साथ और कोई दिक्कत आती है, ऐसे ही हैक होता है, तो वो किस तरह के वकीलों को पकड़े? जैसे आप तो चलो लखनऊ में है, संजय भाई लखनऊ में थे, आप उनको मिल गए, लेकिन बाकी सबको जो है कोई हैदर साहब तो मिलने वाले रहे, तो वो एक अच्छे वकील की तलाश में क्या करें, वो मैंने क्या चीज देखें? वो सबसे पहली बात ये है कि जो उनके उस जिस वकील का राइटिंग स्किल्स अच्छे हों, जो उनकी बात को वास्तव में इंग्लिश में कह पाए जी, और ऐसे अंग्रेजी जो उनकी समझ में भी आ जाए। देखिए कई बार ये होता है कि हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी अगर हमें लैंग्वेज पे हमें कमांड नहीं है तो बहुत सारी चीजें वहीं पे कट जाती हैं। एज अ लॉयर हम आपको बताएं यशवंत भाई कि हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों पे इतने सालों में मेहनत करके कमांड एक हासिल किया है। हमें पता है कि कौन सा वर्ड लिखना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि इन कॉमा फुल स्टॉप पे अपने फादर से बहुत डांट खाते थे जी। अच्छा जी, तो इसी तरह कोई भी यंग लॉयर जो जिसका कमांड हो अपने सब्जेक्ट पे और जो आईटी एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, तो आई थिंक ही विल सर्व द पर्पस। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, बैकग्राउंड के बारे में, कि आप लखनऊ के हैं मूलतः या लखनऊ के आसपास के किसी जिले के हैं, और पढ़ाई लिखाई थोड़ा बताइए अपने बारे में जो है। जी मैं मूल रूप से लखनऊ का ही रहने वाला हूँ और लॉ ग्रेजुएशन मैंने जामिया मिलिया से किया था, 98 में टॉपर हूँ मैं, लॉ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अरे वाह। और उसके बाद मैं लखनऊ लौटा, लखनऊ लौट के मैंने फिर एमबीए किया एमएटी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही मैंने मास्टर्स किया लॉ में, उसमें भी गोल्ड मेडल मुझे मिले। अच्छा, तो अकेडमिकली मैं अपने आपको कहता हूँ कि हमें पास काफ़ी सारी अकेडमिक डिस्टिंक्शंस हैं, और अभी कुछ दिन पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक पार्ट टाइम पीएचडी का कोर्स शुरू किया, तो उसमें भी मैं लकीली मेरा एंट्रेंस में हो गया, तो उस पार्ट टाइम में पीएचडी में करूँगा। और पीएचडी में करने जा रहा हूँ यशवंत जी, आरटीआई एक्ट का एक प्रावधान है, धारा 7(1) का, परंतु देखिए जनरली आरटीआई एक्ट में जो सूचना दिलाए जाने का प्रावधान है वो कहता है 30 दिन में सूचना दी जाएगी, लेकिन धारा 7(1) का एक परंतु है जो इसका एक अपवाद है, वो जो कहता है कि अगर कोई भी ऐसा प्रकरण जो आपके जीवन भय से संबंधित है उसमें आपको सूचना 48 घंटे में दी जाएगी। ये जो ऐसा ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, तो ये कौन से ऐसे प्रकरण होंगे जिसमें 48 घंटे में सूचना दी जाए? तो ऐसे प्रकरण हो सकते हैं, वो प्रकरण जिसमें कि पुलिस ने किसी आदमी को इलीगल कस्टडी में ले लिया, या ऐसा कोई प्रकरण जिस आदमी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है और उसको सूचना नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जांपल वो कैंसर पेशेंट है और उसने गवर्नमेंट को दिया हुआ है अपना एक प्रत्यावेदन कि इस पे डिसाइड करके हमें 2 दिन में बता दीजिए कि भाई आप हमको विवेकाधीन कोच से पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर आप 20 दिन में 25 दिन में डिसीजन लेंगे तो कैंसर पेशेंट तो रोज रोज मरता है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे प्रकरण है। तो हुआ ये यशवंत भाई कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो यूपी में है, इन्होंने अपने इसकी नियमावली बना ली है 2015 में, और उस नियमावली में प्रथम अपील का भी इन्होंने प्रावधान किया है कि प्रथम अपील जो है कम से कम 15 दिन के बाद होगी। तो अगर भाई 48 घंटे में सूचना नहीं दी गई उसकी प्रथम अपील 15 दिन बाद करोगे तो सेक्शन रिडंडेंट हो गया, क्या मान्य रहेगा उस सेक्शन का? हाँ, तो इस तरह की कई, और मैंने फिर इस पीएचडी में मैं देश भर के रूल्स पढ़ूंगा कि अलग अलग इंफॉर्मेशन कमीशन में इस तरह के क्या क्या रूल्स हैं और उसको चेंज कराऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा रिसर्च का। बहुत बहुत शानदार, आप रिसर्च करें और आप बच्चों को पढ़ाएं भी, ढेर सारे छात्रों को जो है अटेंड करें। तो हम लोग फिर बात करेंगे किसी और मुद्दे पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर वक्त देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।